आगे बढ़ते हैं फरुखाबाद से अगली खबर। मुस्लिमों ने कांवड़ यात्रा निकाली है, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई। गंगा जल भरकर पहुंचे पांडेश्वर नाथ मंदिर और मंदिर पांडेश्वर नाथ में चढ़ाया गंगा जल। यूसीसी को लेकर निकाली कांवड़ यात्रा, मुस्लिमों ने ही शरिया कानून पर सवाल उठाए, शरिया कानून से शोषण का आरोप भी लगाया। और बरेली में एक मुस्लिम लड़की ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाया है। फरहाना ने हिंदू लड़के से पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ सात फेरे लिए। फरहाना ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण में शुरू से ही उसकी आस्था थी और वो अपने घर में छुपकर श्री कृष्ण की पूजा करती थी। इसके बाद उसकी दोस्ती वीरेंद्र कश्यप से हुई और बाद में दोनों ने राधा रानी मंदिर में घूमने का प्लान बनाया और वहीं एक साथ जीने मरने का फैसला ले लिया। फरहाना ने कहा कि अब मुझे तीन तलाक और हलाला का भी डर नहीं है। अच्छा, आज आपने शादी की है? हाँ। किसके साथ में? वीरेंद्र कश्यप। वीरेंद्र कश्यप, हिंदू रीति रिवाज से? अच्छा अच्छा, कब मुलाकात हुई थी आपकी? तीन साल पहले हुई थी। तीन साल पहले मुलाकात हुई थी। तीन साल से बात लगातार चल रही है। बात करते हैं यहाँ। अच्छा अच्छा, किसी के बहकावे में आके या जोर दबाव में आके तो ऐसा नहीं किया? हमने अपनी मर्जी से शादी की। इन्होंने कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं और किसी व्यक्ति ने? नहीं। भारत से पाकिस्तान गई अंजू का अब एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में अंजू नसरुल्लाह के कई दोस्तों के साथ होटल में खाना खाते दिख रही है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले अंजू राजस्थान में अपने पति को छोड़कर प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने गई थी। और ग्रेटर नोएडा से अगली खबर। सचिन मीणा के दो रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया है। बुलंदशहर के रहने वाले पवन और पुष्पेंद्र गिरफ्तार हुए हैं। दादरी थाने की पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया है। 15 आधार कार्ड, 3 लैपटॉप, 3 प्रिंटर बरामद हुए हैं। आरोपियों से 2 फिंगरप्रिंट डिवाइस भी मिले हैं। दोनों बुलंदशहर में चलाते थे जन सुविधा केंद्र। दोनों पर जालसाजी और फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एक डॉक्टर ने चाकू से हमले का आरोप लगाया। डॉक्टर सतनाम सिंह छाबड़ा का आरोप है कि एक मरीज ने चाकू से हमला किया और आरोप के मुताबिक डॉक्टर पर ड्यूटी के वक्त हमला किया गया। डॉक्टर ने सुरक्षा की मांग की। डॉक्टर्स के मुताबिक आरोपी राजकुमार को स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर है और जिसका इलाज काफी सालों से चल रहा है। साल 2021 में ऑपरेशन किया गया था, मगर दोबारा ये समस्या होने पर उनका ऑपरेशन होना था, जिसके लिए उन्हें बोला गया, मगर आरोपी मरीज ने इलाज के लिए पैसे न होने की बात कही। डॉक्टर ने बताया कि जब मरीज को दोबारा बुलाया गया तो उसने चाकू से ही हमला कर दिया। दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टर्स पर लगातार हमले हो रहे हैं। बीते 10 दिनों में एक चौथा मामला सामने आया है जो कि सर गंगाराम अस्पताल का है, जहां पर एक न्यूरोसर्जन पर पेशेंट ने चाकू से हमला कर दिया। हालांकि जो पेशेंट है काफी सालों से इस डॉक्टर को दिखा रहे थे और उनका ऑपरेशन भी इन्हीं डॉक्टर के द्वारा किया गया था, लेकिन मंगलवार को डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्हीं की ओपीडी में चाकू निकालकर हमला कर दिया गया। सतनाम सिंह छाबड़ा ने एफआईआर भी की है और हॉस्पिटल ने भी यही बताया है कि 2021 से ये बिहार का जो पेशेंट है इन्हें लगातार दिखा रहे थे। उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, उनका ऑपरेशन भी किया गया था, उसके बावजूद अचानक से पेशेंट को गुस्सा आ गया और पेशेंट ने चाकू निकालकर डॉक्टर पर हमला किया है। हालांकि डॉक्टर को एक मामूली सी चोट आई है। पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस का कहना है कि सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, अब पेशेंट से सारी चीजें पूछी जा रही हैं, क्योंकि पेशेंट का बताना है कि वो भी काफी टाइम से परेशान है और इन्हीं डॉक्टर को दिखा रहे थे। अब मामले में पूरी जांच हो रही है। हालांकि डॉक्टर का ये भी कहना है कि इसी तरीके से लगातार जो डॉक्टर्स हैं उन पर हमले होते जा रहे हैं, तो सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। कैमरामैन अनिल के साथ फरह खान, न्यूज 18 दिल्ली। और एक और अपडेट आपको दे दें, अजय कटारा की हत्या की कोशिश से जुड़ा केस, जहां डीपी यादव समेत सभी आरोपी बरी हो गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। सबूतों के अभाव में सभी आरोपी बरी हो गए हैं। 2007 में साइबाबाद थाने में केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद अब कोर्ट ने डीपी यादव समेत कई आरोपियों को बरी कर दिया है। अजय कटारा ने यह आरोप लगाया था कि उसकी हत्या करवाना चाहते हैं ये सभी लोग, उसके ऊपर जानलेवा हमला भी करवाया गया। इस मामले में अब डीपी यादव समेत कई आरोपियों को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी किया है। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।